गाइस, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम इन श्रद्धा सिंह लॉ और आज की जो मेरी रेसिपी है वो क्रिसमस स्पेशल है आज की रेसिपी है हमारी कल कल तो जो कि बना बनाना बहुत आसान है बिना एफर्ट के बनता है बहुत कम एफर्ट डालना पड़ता है एक्चुअली एंड बहुत टेस्टी एंड दिखने में भी काफ़ी डिलीशियस एंड काफ़ी रिच लुक आता है तो आप इसे घर पे इस बार क्रिसमस में जरूर बनाइए बहुत इजी रेसिपी है बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही बढ़िया है दिखने में भी एंड खाने में भी तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बट तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए देन गाइस प्लीज लाइक थम करें एंड जितना हो सके शेयर करें वीडियोस अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में कमेंट करना ना भूलें आपको कैसा लगा ये रेसिपी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही मॉडलिंग डिलीशियस रेसिपीज के लिए और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज बेल बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं देन प्लीज ऐसे रेगुलर वॉच करते रहे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड मेरी क्रिसमस सबसे पहले हमने यहाँ पे एक रवा लेनी है और रवा को डाल करके इसमें हम इसको मोइन देंगे तो इसमें हम डाल रहे हैं बटर और ये सॉल्टेड बटर है आप अमूल वाला जनरली हर मार्केट में हर घर में अवेलेबल ही होता है तो इसको मोइन करना है हमें अच्छे से मिक्स करना है रवा के साथ अभी इस स्टेज पे तो इसको ज़्यादातर गोवा में ट्रेडिशनली बनाया जाता है क्रिसमस के मौके पे इसको कुल कुल भी बोलते हैं या कल कल भी बोलते हैं एंड बिलीव मी काफ़ी टेस्टी क्रिस्पी सा और बहुत ही सॉफ्ट टेस्ट का बनता है कमाल का मजा आ जाता है तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा इस क्रिसमस पे तो ये देखिए अच्छे से बटर एंड रवा जो है वो मिक्स हो गया है तो अब हम लेंगे मैदा और इसको हम एक कप मैदा ले रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपनी मोइन वाले मिक्सचर के साथ अब हम ले रहे हैं पाउडर शुगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं भी है देन आपके घर में चीनी होती है तो आप चीनी को पीस के पाउडर शुगर बना लें एंड हम ले रहे हैं नमक एक छोटा चम्मच नमक है एंड आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ बेकिंग सोडा लिया है यानी खाने वाला सोडा और इन सबको अच्छे से ड्राई इनग्रीन्स को मिक्स कर लेंगे और मोइन के साथ यानी रवा एंड बटर का जो मोइन रेडी किया था उसके साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपका जो पूरा मिक्सचर है ना ड्राई वाला वो हल्का क्रम्बली हो जाएगा मतलब आप हाथ में लेकर इसको जब बांधने की कोशिश करेंगे तो ये बाइंड हो जाएगा देखिए इस तरीके से बिल्कुल तो बस बहुत ज़्यादा मोइन तो हमने दिया नहीं हल्का ही दिया तो इतना परफेक्ट है अब हम ले रहे हैं यहाँ पे दूध तो यहाँ हम दूध में गूथेंगे तो बहुत ज़्यादा दूध हमें नहीं चाहिए बहुत क्योंकि मेरा जो मिक्सचर है मैं बहुत थोड़ा बना रही हूँ तो मेरी मिक्सचर जो भी है की रेशियो कम है तो मैंने दूध भी कमी लिया है और हमें एक सॉफ्ट एंड बट हार्ड आटा गूंथ के तैयार करना है इस तरीके से जैसे कि हम अपनी नमक पारा वगैरह बनाते हैं बिल्कुल उस तरीके से तो आप देखिए अभी करना क्या है कि एकदम अब हम इसे थोड़ा और अच्छे से गूँथ लेंगे बढ़िया से गूथना है आपको और इसके बाद हमारा आटा जो है वो रख के तैयार है तो इसे मैं छोड़ दूँगी पंद्रह मिनट के लिए सेट होने को तो अभी पंद्रह मिनट बाद मेरा आटा सेट है आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट तो है बट हार्ड है एकदम मुलायम या गीला नहीं है तो बस अब इसके हम इक्वल पोर्शन तोड़ के तैयार करते हैं लेट्स सी कि कितने लोई हमारे तैयार होंगे इसमें तो इससे बनाना बहुत आसान है एंड बहुत ही कम मिनट में बन के तैयार हो गया था और मेरी पूरी फैमिली को पसंद आया मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद दो से तीन दिन चलेगा ये आप इसको एक से दो हफ्ते एयरटाइट कंटेनर में चला सकते हैं आराम से बहुत ही क्रिस्पी रहता है बट मेरा तो एक ही दिन में ख़त्म हो गया तो ये देखिए अभी हमने इक्वल पोर्शंस किए थे लोई के और अब एक लोई को लेकर के इस तरीके से रोल करके हम लंबा रोल करेंगे यानी सिलेंडरकल कर शेप देंगे लंबा और फिर इक्वल पोर्शंस में कट कर लेंगे जैसा आप मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही अब क्या करेंगे ये जो छोटा पोर्शन या हाफ हाफ इंच का मैंने इक्वल पोर्शन में कट किया है तो एक पोर्शन में उठा रही हूँ इसे रोल करूँगी अभी इसको शेप कैसे देते हैं तो यहाँ पे मैं दो टूल ले रही हूँ ज़्यादा टिपिकल कुछ नहीं है घर में सभी के फोक या कंघी तो होती है तो एक हम फोक से रेडी कर रहे हैं इस तरीके से बस उसको रख के उल्टे फोक पे इस तरीके से रख के उंगलियों से प्रेस करना है और इसके बाद फिर ए, एक किनारा पकड़ के अंदर वाली साइड से किनारा पकड़ के इसको बाहर की तरफ रोल करते जाना है तो ये देखिए पहले इसे अच्छे से सेट से कर दिया है इस पर अब इधर से अंदर के साइड से हम इसको बाहर को इस तरीके से रोल कर देंगे तो ये देखिए फोक वाला जो शेप आता है वो इस तरीके से होता है ये भी काफ़ी बढ़िया शेप होता है एंड नेक्स्ट जो शेप है वो मैं आपको दिखाती हूँ तो इसे भी ऐसे रोल कर लेंगे एंड अभी हम लेंगे कंगी तो कंगी में करना क्या है कि ये जो आपको मोटा वाला साइड दिखता है हमें ये यूज़ करना है यहाँ पे हम डालेंगे इसको इस तरीके से एंड सेम वैसे ही हम प्रेस कर लेंगे उंगलियों से जैसे हमने फोक पे किया था तो अच्छे से इवन हम प्रेस करेंगे और बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर देना है प्रेस करते करते हल्का सा मोटा होना चाहिए तो बस इस तरीके से प्रेस कर लिया है अब इसको भी हम अंदर के साइड से बाहर की तरफ को रोल करते हुए निकालेंगे ये देखिए प्रेस हो गया है अब हम इसको निकालते हैं और इस पर जो लाइन्स आती है थोड़ी बारीक लाती है तो इसका शेप जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में और जब ये बन के आता है उसके बाद भी इसका शेप ज़्यादा अच्छा दिखता कोम्ब वाला शेप फोक के कम्पेरिजन में बट दोनों ही अच्छे लगते हैं तो ये देखिए ये कोम के साथ इसका शेप आया तो इसी तरीके से मैं बाकी सारी जितने कुल मेरी बन रहे हैं वो मैं रेडी कर लूँगी दोनों के साथ कोम एंड फोक के साथ तो ये देखिए बढ़िया से रेडी हो गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है बहुत ही मज़ा आता है ये बनाने में तो अभी ऑयल अच्छे से हीट हो गया जब मैंने बनाना शुरू किया तो ऑयल चढ़ा दिया था बहुत ज़्यादा हमें ज़्यादा मीडियम फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है डीप फ्राई तो तेल तो अच्छा गर्म था लेकिन फ्लेम इस टाइम मीडियम है तेज़ आंच पर ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि अच्छे से अंदर बाहर पूरा अच्छे से पकना चाहिए ऐसा नहीं कि बाहर जल्दी से पक जाए अंदर कच्चा रह जाए तो ये देखिए इसे हम डाल देंगे एंड आप देखिएगा जैसे जैसे भी आप इसको फ्राई करेंगे ना वैसे ही ये अपने साइज़ में डबल हो जाता है तुरंत ही साइज़ की इंक्रीज कर जाती है और काफ़ी और एकदम सा हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है और रवा पड़ा है मोइन अच्छे से दिया है इसकी वजह से क्रिस्पी भी काफ़ी बनता है एंड बहुत ही बढ़िया कमाल का टेस्ट आता है तो आप इसे ट्राई ज़रूर करना है इस क्रिसमस और बहुत ही ईजी है बनाना और आप देख ही सकते सारे वही सामान हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना और बच्चों को बहुत पसंद आएगा ख़ास करके ये और दिखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और एक से दो हफ्ता आप इसे आराम से चला सकते हैं तो ये देखिए नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आया है तो ऑयल से रिमूव कर लेंगे ऐसे ही करके मैं अपना सारा जितना भी मेरा आ, कुल कुल रेडी हुआ है वो मैं सेम वे से फ्राई करके रेडी कर लूँगी तो ये रेडी है तो गाइस मैं फिर से बोलूँगी अगर आपकी रेसिपी पसंद आई बहुत, बहुत ही इजी सिंपल एंड बहुत ही बढ़िया है तो अगर आपको पसंद आई है तो ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करने के बाद कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा एंड प्लीज़ इतना हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तो ये देखिए हमारा डिलीशियस सा कुलकुल जो है सारा वो बन के रेडी है तो अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे निकाल के रखा है ऑयल फ्री पेपर पे ताकि जो एक्सेस ऑयल वो एब्जॉर्व हो जाए और थोड़ा सा शुगर पाउडर मैं इस पर डस्ट कर रही हूँ आप चाहें तो मत भी करिए वैसे बहुत ही बढ़िया लगता है तो ये देखिए काफ़ी अमी लग रहा है तो ये हमारा रेडी है क्रिसमस स्पेशल का पहला रेसिपी ऐसे ही क्रिसमस स्पेशल में मैं दो तीन रेसिपी और लेके आने वाली हूँ जो बहुत ही बनाना घर पे एकदम आसान है तो देखते रहिए